Rocky rulla bagga! Och bagga, bagga, barn rulla bagga! Pattypen ka charger är aapke pass. Yahan kisi ko koi bukhar nahi deta. Charger khaak dega. अरे चाचा क्या पतली पिन लेके घूम रहे हो? चलो मैंने क्या दुकान खोली भी है यहाँ पे। आप टेंशन ना लें, बस आगे की कहानी पर ध्यान दें। अरे भाइयों अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज टाइम पे आ गए। चलें जी बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया 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 शुक्रिया। यह है हमारी कहानी के मरकजी किरदार रूमी। बीवी से मिलने से पहले ये ऐसे अपने गाल वार्म अप करते हैं। चलें भाई अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा लगा मिल के आप लोगों से। ओके और आप जरा जान बनाए, आपका हल्का हो गया है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम बाबा, हम लोग आपसे रिश्तों की बातें करने को आए जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हैं, करते क्या हैं आप लोग? वो जी चोर बाजार में ऑटो पार्ट्स की मेरी दुकान थी, चोरों सारे मेरी दुकान बेच डाले। अब हम भी सोच रहे हैं लाइना बदलने को, ये वास्ते तो आपके पास आए। अच्छा इसका मतलब आप दोनों यहाँ शादी करवाने नहीं आए? अरे नहीं मियाँ, हम दोनों मियाँ बीवी है। ओ अच्छा, मतलब आप दोनों की शादी पहले हुई भी है। तो एक काम करता हूँ, आप दोनों की तलाक करवा देता हूँ, फॉर्म निकालो। अरे निकल गए क्या मियाँ, हम लोगों की शादी आपके जरिए करवाना चाह रहे हैं, आप तो हमारी शादी के पीछे पड़ गए। देखिए मेरा इस मोहल्ले में ना बहुत बड़ा नाम, मैं सिर्फ साफ सुथरे और अच्छे काम करता हूँ। लॉलीपॉप। ए कन्नी काका। काका। हाँ ये तुम्हारी मम्मी मेरे को छोड़ के चला गया ऊपर। फिकर नहीं करना, मैं हूँ तुम्हारी डेगी। हाँ मैं बेरोज दाना डालूंगा। हाँ हेलो जी, शगुफ्ता है। ए कौन शगुफ्ता? शगुफ्ता महफूज। अगर शगुफ्ता इधर होती भी तो अब तक महफूज तो नहीं होती। ले भाई क्या मतलब आपका? भाई बंद कर फोन, सुबह से तंग करके रखा हुआ है, बात बात फोन करता है, कभी कहता है शाजिया कुछ, कभी कहता है शगुफ्ता महफूज। यह है गनी काका जो अपनी बीमारी की वजह से हर वक्त जिंदगी और मौत से जंग लड़ते रहते हैं, और इस जंग में शहीद उनके घर वाले ही होते हैं। ए कन्नी काका। ए जोया, ए किधर है? हर वक्त शीशे के सामने खड़ी रहती है, मेरे को तो डर है किसी दिन ये शीशा तेरे को अंदर ही ना खींच ले। ए गन्नी काका। ए अभी तैयार हो गई हो तो चल नाश्ता कर ले, मेकअप से फुर्सत मिले तो पेके जवाब देनी ना। हाँ आ जाती बिगड़ेली छोकरी। यह रूमी की मोहब्बत और उनकी बीवी जोया। रूमी को महंगाई के इस दौर में मोहब्बत की ये शादी कितनी महंगी पड़ गई, इसका कुछ हद तक आपको अंदाजा हो ही गया होगा।
देखो बाबा तस्वीरें तो देखो। अरे माधव जी क्या साड़ी पहनी है भाभी आपने, चले चले चले, बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ दिल करे धक धक, होना चाहे कहीं शक, कैसी फंसी मेरी जान, घर तो है एक सड़क। अस्सलामु अलैकुम, अबे अभी नंबर नहीं मिला है, आवाज कहाँ से आ रही। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब। बैठिए। बहुत शुक्रिया जी। दफ्तर आराम से मिल गया था? नहीं नहीं बस पहुंच गया जी, बिल्कुल जी जी। ये बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता? ये बताइएगा कि डाइवोर्स स्पेशलिस्ट रूमी साहब आप ही हैं ना? जी जी मैं ही हूँ, आपको शक्ल और बालों से लग नहीं रहा है जी। ये बहुत अच्छा हो गया जी, बिल्कुल जी। तो आप क्या कराना चाहते हैं जी? मुझे डाइवोर्स देनी है जी। ओ डाइवोर्स देनी है, कितना टाइम हो गया शादी को? जी 4 साल हो गए तकरीबन जी। 4 साल हो गए, ठीक है ठीक है। और साथ रहते हैं आप दोनों? नहीं हम 6 महीने से अलग हैं जी। अच्छा तो आप चाह रहे हैं कि पक्का पक्का हो जाए है? जी बिल्कुल यही। अच्छा तो क्या नाम है आपके पार्टनर का? अहमद। ओ स्यापा अहमद बिजनेस पार्टनर होंगे हैं? बिजनेस पार्टनर, तलाक नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं पार्टनरशिप सेपरेशन, वो दूसरा ऑफिस। वाह भाई वाह, वेरी गुड, क्या मस्त शहर है, इतना बड़ा, किताबों में सही सुना था, नहीं होता है, देखा था होता है। यह है वारंटी मियां, जो गांव से मुंह उठाकर शहर कुछ बनने आए, यहां इन मौसू के साथ जो होगा उन्हें लग पता जाएगा। ए वारंटी, इसमें से कुछ निकलता नहीं है क्या? क्या भैया बर्गर शर्गर खाएंगे क्या? अरे शहर इतना बड़ा और बर्गर की दुकान इतनी सी, ये क्या बात हुई? क्या बात कर रहे हैं भैया, एक बार जो आप हमारा बर्गर खाएंगे ना सारी जिंदगी हमें याद रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें सारी जिंदगी पर याद रखनी ही नहीं है। खैर आप इतना कह रहे हैं तो खिला दें। वैसे कौन सा बर्गर है? बीके डोनल बर्गर भैया। बीके डोनल, पीके टोन सुना था, बीके डोनल कौन सा बर्गर है? आप खा के तो देखिए भैया। चले बनाया। एक बात पूछे भैया? पूछ लें, इतना फ्री हो ही गए तो पूछ लें। क्या भैया इस शहर में नए नए आए का? बस अभी अभी आया हूँ, अपनी चमकाने किस्मत। भैया ये शहर जितना चमकीला दिख रहा है ना इतना है नहीं। वो क्यों? अरे बड़े मसले हैं भैया। मसले? कैसे मसले? अरे लाइट का मसला, पानी का मसला। ले भाई पानी, क्या याद दिला दिया यार, पानी से याद आया, बड़ी जोर की आ रही, क्या करूं? अरे नहीं नहीं भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे जाइए, वहाँ वॉशरूम है, वहाँ जाके आप अपना प्रेशर रिलीज कर लीजिए आराम से। अरे क्या बात कर दी, दिल चाहता आपको चूम लूं लेकिन चूम नहीं सकता। अरे भैया ये यहाँ ये अब क्या हुआ यार, जल्दी बोलो। का भैया इसको भी कराएंगे का? ए वारंटी, आपकी शक्ल से तो आप पर यकीन करने का बिल्कुल दिल नहीं करता लेकिन क्या करूं, मसला ही ऐसा है, खुद समझ में नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हैं? ये आप ऐसा करें, जरा संभाल के साइड में रखें, मैं बस यूं गया और यूं आया। जाइए भाई। ठीक है। पंडरी पंडरी पंडरी। यह है रूमी की हादसाती बीवी हीर। अब इस हादसे में मोहब्बत होगी या मौत, ये इन दोनों की किस्मत, हमें क्या।
से कुछ करने के लिए, बच्चा तो नहीं है, यही कर लेता हूँ। हेलो भाईजान। हेलो। ये बाग आपने लगाया? नहीं भाई, ये बाग हमारा नहीं है, लेकिन इस शहर के शहरी होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि हम सारे पौधों को पानी दें। वेरी गुड। इसे बहुत ठंड होगी है बस। ये तो आप सही कह रहे हैं। रूमी भाई, अरे वारंटी कैसे, क्या कर रहे हैं? वारंटी तू यहाँ क्या कर रहा है यार? जो आप कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। अरे मेरा कहने का मतलब है, तो कराची में क्या कर रहे हैं? मैं आज ही कराची आया हूँ। वो पता है मेरे किसी ने ना बैग छीन लिया, उसमें ही आपका नंबर था। यार बैग छीना, उसने तुझे गोली नहीं मारी? नहीं, मुझे ना बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हाँ, हाथ मिला लेना, आ जाना। सुन, बोले क्या मुसीबत है, क्यों है इधर तू शहर में, तू दुनिया में क्यों है? मेरी थोड़ी सी मदद करे ना। क्या मदद करूँ, गोद में उठा लूँ तुझे, पानी डालूँ तुझे, अभी क्या करूँ इस सिचुएशन में, क्या मदद करूँ मैं, सब अपना अपना करते। मैंने एक्टिंग करना चाहता था, लेकिन वो तो मैं कर नहीं पाता, तो मुझे कोई जॉब ही दिला दे। अबे तुझे मैं कहाँ से जॉब, जॉब कुछ करे ना प्लीज। तू जॉब करेगा? क्यों नहीं करूँगा, ऐसी वैसी करूँगा। अबे मैट्रिक हो गया तेरा? नहीं, मैट्रिक में मैं फेल हुआ था। नहीं हुआ ना मैट्रिक, तुझे जॉब मैं दिलाता हूँ। पक्का? आजा। कहाँ जा रहे? आजा आजा। लॉलीपॉप। बारिश हो गई, ले भाई। अच्छा हुआ टोपा पहन के आ गया मैं। ये कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहाँ मैं आके सुकून का सांस लेता हूँ और अपनी जिंदगी के प्लान बनाता हूँ ताकि मौत ना आ जाए। वाह। वैसे एक बात बता, तुझे पता था कि कराची में सफाई का काम चल रहा है, फिर तू गंद फैलाने क्यों आ गया? यार क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हैं आप? यार जले पे नमक छिड़क, गांव छोड़ते वक्त मैंने महाव्रतन कहा था कि चार जमातें पढ़ लेना, तूने भी सिर्फ चार जमाती पढ़ी है, तो ये हालत भी आप ही की वजह से हुई है। मेरी वजह से? जी सोया बेबी। बेबी कहाँ हो तुम, सुबह से केबल नहीं आ रही है, पापा का फेवरेट ड्रामा आना है। जान अगर वो ड्रामा एक दिन नहीं देखेंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा, ऐसे भी उनको कौन सा याद रहता है, सारी किस्तें मिला के आखिर में कहानी भूल जाते हैं। जल्दी से इसको ठीक कराओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। आपकी शक्ल बता रही है कि भाभी की कौन थी? अबे हाँ यार वो मैं क्या। हाँ बोलो। मैं कार बैठे बैठे ना बोर हो रही थी, और ना आपको पता केबल भी नहीं आ रही सुबह से। हाँ मैं एक काम करता हूँ, सारे काम काज छोड़ के आ जाता हूँ और तुम्हारी तार जोड़ देता हूँ। हाय हाय। अच्छा अच्छा अब प्लीज नाराज मत हो। अरे पूरा दिन ये बॉस चिक चिक करता रहता है, वहां से तुम बोलती रहती हो, मैं कहाँ दिमाग फाड़ू अपना जाके यार। अजीब। आपकी फिर से शक्ल बता रही है कि ये भी भाभी की कॉल थी, लेकिन पहली कॉल से ये साबित हुआ कि आप भाभी से दबके रहते हैं, और दूसरी कॉल से ये साबित हुआ कि भाभी आपसे दबके रहती हैं। ये समझ नहीं आया। अबे यार मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसी होता है, कभी माननी पड़ती है और कभी मनवानी पड़ती है, तू नहीं समझेगा, तू कवार है। ये चक्कर क्या है? अबे यार चक्कर ये है कि जोया से मैंने भाग के अपनी पसंद की शादी की थी, और हीर से मेरी शादी जो है एक हादसे में हुई। हादसे में शादी? हादसे में मौत होती है सुना था, लेकिन आपकी तो हादसे में शादी हो गई। अरे वाह क्या किस्मत पाई है आपने। अबे यार इंसान का जब बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो वो ऊंट पे भी अगर चढ़ के बैठ जाए तो उसका कुत्ता काट ही लेता है। हुआ कुछ यूं के। अरे अब्बा क्या हो गया, परेशान क्यों होते हैं आप? आप ये समझे कि छोटी की शादी की तैयारियां हो गई हैं सारी की सारी? बस तू ऐसा कर, शहर से जल्दी गांव वापस आ जा जल्दी से। अरे अब्बा गांव कैसे आऊं, यहाँ सारी सेटिंग खराब हो जाएगी। अब्बा क्या कर रहे हो यार? अंधा है क्या, है? दिखता नहीं है, सुई में धागा डाल रहा हूँ। अरे सुई में धागा डाल, क्या हुआ? देख रही हूँ रात से इतने परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, और रात को अब्बा की कॉल आई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना है। अरे ये तो अच्छी बात है ना, साथ चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। अच्छी बात है, तो मैं नहीं लेके जा सकता गांव में?
ये क्यों नहीं जा सकती? हाँ, वहाँ का वीजा लगता है क्या, या इसकी टांगें टूटी हुई है? ए कन्नी काका! अरे नहीं यार जोया, तुम्हें तो पता है मैंने गांव में हमारी शादी का नहीं बताया वो, और मेरी 11 बहनें ये बड़े बड़े साइज की, अगर किसी को पता लग गया ना तो पूरे मुंह पे गीला गीला थू थू करेंगी। तो पहले क्या तुझे वहां वोट गिरते थे? अच्छा एक काम करो, पापा को साथ ले जाओ। अरे मैंने ऐसी जिंदगी में पहुंचना है, ये तुम्हारे पापा को लेके चला गया और रास्ते में इनकी बैटरी वीक हो गई तो मैं इनको कहां चार्ज करता फिरूंगा? है नहीं, असल में ना हमारे गांव में जो मेमन जैसी ट्रेन से उतरते ना उनको जान से मार देते। हाँ हाँ, असल में ना हमारे सुल्तानों की वहां लड़ाई हुई थी मेमनों से, उन्होंने 10 रुपए उनको उधार दिया था, उन्होंने वापस, तब से उन्होंने ट्रेन के नीचे बंदे बिठाए चाकू किया कि जैसे ही मेमन ने टांग रखी करके टांग काट दी। मैं कहता हूँ चलो साथ। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। अरे बल्कि काम करते ना, खाली बाप्पा को क्यों, तुम भी साथ चलो। नहीं नहीं, फैमिली चलेगी ना। नहीं नहीं, तुम जाओ। हाँ तुम जाओ, चला जाओ बाप्पा। नहीं बेटा तुम जाओ, तुम जाओ। लॉलीपॉप देखो क्या भाई। हे बाप्पा, मेमन के को ले मारी भी जनता। ए बेटा, दुनिया में बड्डे की मुमकिन है? ये दो ही आपकी पहली शादी, अब दूसरी शादी कैसे हुई? अबे दूसरी शादी, काली रात थी, बादल गड़क रहे थे और मेरा अब्बा अबे रूमी, अरे तूने आने में बहुत देर कर दी बेटा। क्यों अब्बा, अम्मा मर गई क्या? अबे नहीं बे, अम्मा मर गई, सब तेरे इंतजार में सो गए सब। ओ अच्छा, सब सो गए। हाँ छोटी कहाँ है, वो भी सो गई है क्या? अब्बा उसकी शादी होने वाली है, अगर 8 बजे सो जाएगी ना तो मियाँ दूसरे दिन ही तलाक देके घर भेज देगा। अबे असल में छोटी परेशान है, तेरी मामी ने शादी से पहले एक शर्त लगा दी उसने। अब्बा शर्तों की फिक्र नहीं करनी आपने, अब आपने मरना है बस, समझे? अब आपका एक ही काम है, मरना है। वह आपके बेटे की कराची में सेटिंग होगी, और ऐसी सेटिंग हुई है ना, ये मामियां चाचियां मासियां जितनी शर्तें लगा रही हैं, लगाने दो, तुम्हारा बेटा पूरी करेगा शर्तें। तुझसे यही उम्मीद थी, रहना की शादी के साथ ही तेरी और हीर की शादी भी कर देते हैं बस। हाँ हाँ, मेरी और हीर की शादी कर। ले भाई। मेरी और हीर की शादी? हाँ कैसी बातें कर रहे हो यार, वो जो तू सुन रहा है वैसी बातें कर रहा हूँ। अबे तेरी मामी ने शर्त लगा दी है, अगर हीर की शादी नहीं की तो रेहाना की शादी तोड़ देगी, वो बारात नहीं लेकर आएगी। हाँ लेकिन अब्बा आप मेरे बारे में तो कुछ सोचे। अबे तेरी मामी को तू जानता नहीं है, अगर रेहाना का रिश्ता टूट गया तो तेरे मामू मरूम के रोब और दबदबे की वजह से इसका रिश्ता कोई नहीं भागेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बहन भाइयों की शादी हो जाए, ताकि मेरी रूह आराम से निकल सके। अब्बा हाँ, 1% जो बैटरी रह गई है हाँ, उसमें एक बात का जवाब तो दे दो। पूछ पूछ। ये हमारे घर में सब काला सफेद काला सफेद। हाँ ये क्यों चमक रहा है अलग से? अबे ये चमक रहा है, तुझे बुरा लग रहा है? ए! अबे ये तारिक अजीज ने नीलाम घर में दिया था मेरे को, इसलिए चमक रहा है। जाए शादी अपनी खुशी से की, वहां दूसरी शादी मजबूरी में करनी पड़ गई। अच्छा अच्छा, मतलब पहली शादी तक आपके घर में किसी को नहीं पता? अब तुझे लगता है कि मैंने किसी को बताया होता? अगर बताया होता तो मैं यहाँ जिंदा ना खड़ा होता, लाश पड़ी होती तुम्हारी। मैं दुआ कर लेता। अरे इंसान बन यार। जी बेबी। हाँ मैं आया, चल मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ। क्यों, वॉशरूम नहीं करना? वॉशरूम बीच में कहाँ से आ गया?
अरे ये पब्लिक टॉयलेट है ना। पागल हो गया क्या, मेरे घर का दरवाजा है। ए वारंटी। चल जा। मैं चल। सुने तो। अबे अच्छी खासी जिंदगी है, क्यों शादी कर रहा है, पागल हो गया क्या। अबे रात को, अबे और कितनी रात को। अच्छा करता हूँ कुछ, फोन रख। इतनी रात को किसका फोन था। इतनी रात को वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं थे, असद सिम्पसन, उनकी कॉल थी, कह रहे हैं शादी कर रहे हैं। हाँ तो शादी कर रहे हैं ना, कौन सा सर्कस ज्वाइन कर रहे हैं जो इतने दाल निकाल रहे हो तुम। सर्कस का बंदर ही तो बन जाएंगे, एक बार शादी तो करके देखें। अपनी बीवियों के इशारे पे ना नाच रहे तो मुझसे ना पूछना। दावत दे रहे थे। हाँ मैं तैयार हो जाऊँ। तैयार क्यों हो जाओ, शादी की दावत दी है, मैयत का माहौल नहीं है कि इतने गुस्से वाली औरत वहां जाके मैं बिठा दूंगा। तुम जा रहे हो, जाहिर सी बात है तुम मेरे बगैर जा रहे हो। आपके बगैर तो नहीं जा रहा, क्योंकि मैं तो वहां जा ही नहीं रहा भाई। मैंने बोल दिया प्रिंसिपल साहब आपकी शादी लेट हो रही है, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हम शरीफ लोग हैं, हम लोगों की शादियों में जाके दूसरों की माँ बहनों को नहीं देखते। मुझे ना बुलाएगा, मैं तो कॉल सेंटर जा रहा हूँ, असल में नाइट शिफ्ट है और आजकल काम का बोझ बहुत है, तो वहां मुझे जाना है। आखिर दो दो घर चलाने के लिए दो दो नौकरियां करनी पड़ती हैं यार। दो दो घर, ये दूसरा घर कौन सा है, कौन सा दूसरा घर। तुम्हारे इसी शक करने की वजह से ना हम दो से तीन नहीं हुए, एमी इतना बड़ा बिस्तर लिया हुआ है। जोर बातें मत करो, मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो मुझे। अच्छा अच्छा, तो तुम सच सुनना चाहती हो ना, तो कान खोल के सच सुन लो, मैं भी तंग आ गया हूं चीजें छुपा छुपा के। इस घर में ना सिर्फ तुम नहीं रहती हो, इस घर में तो तुम रहती हो और दूसरी। दूसरी? तुमने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? दूसरी शादी क्या होती है, दूसरी शादी होती है, मुझे तो लगा एक ही शादी होती है। मैं ये कह रहा था कि इस घर में एक तो तुम रहती हो और दूसरी हमारी जान, हमारा प्यार, हमारी रूह, हमारी नन्नी सी बाबा गनी। ए गनी काका। बाबा गनी, तो एक तरफ तुम्हारा मेकअप का खर्चा भाई वो तो कम है, बाबा गनी की जितनी दवाइयां आती है अगर नॉर्मल आदमी की दवाइयां खाए ना तो दवाइयां खा के मर जाए, पता नहीं बाबा गनी कैसे जिंदा है। ठीक है जाते, वो लाइट बंद कर जाना। लाइट बंद करके जाता कौन है, मैं जाता हूं, लाइट बंद करके मैं जाता हूं। ठीक है रुको इधर। अब क्या हो गया, जुराबे पहन के कौन सोता है। जुराबे पहन के, अरे बेगम बुढ़े हो गए हैं, हड्डियां कमजोर हैं, ठंड लगती है इन हड्डियों को, इसलिए जुराबे पहनी हुई हैं। और ये चड्डा, अगर इतनी ठंड लगती है तो ये चड्डा क्यों पहन रखा है। बेगम वो जुराबे कस के बांधी हुई है ना, तो ठंड ऊपर आ नहीं पाती है ना। तुम लेट जाओ, मैं लाइट बंद करके चला जाऊं। आ जाओ जी। दिमाग के तालमेल में थोड़ा कम है। अरे गनी काका यार, अगर खाला से थोड़ी सी मार मोहब्बत से आपने बना के रखी होती ना, तो आपके दिमाग का तालमेल उल्टा पुल्टा ना होता और ये आप पुरानी ट्रेनों की तरह नहीं चल फिर रहे होते। अरे खाला भी तो उस वक्त ऊपर जल्दी गई ना, जब मेरी ट्रेन पटरी से उतर चुकी थी। वैसे गनी काका आशिकी 3 ना आप पे बननी चाहिए। ए, क्या गनी काका, गनी काका मेरे तेरा कोई फीडर चोरी किया है गनी काका। ए, बोली भी
वैसे आप कौन? मैं? अबे यार अब इनकी यादाश्त चलेगी, अब जब तक आपकी यादाश्त वापस आएगी ना वहाँ असल सिम्पसन के 3 बच्चे हो जाएंगे। आप अंदर चले। कितना बदतमीज आदमी है, तारुफ भी नहीं कराया अंदर चला गया। मैं इधर यार अभी अंधे भी हो गए इनके मसले। आइए आइए कनी काका संभाल के ले जा। आइए आइए मां सदके मां संभाल के। बेगम रोटी है या फिर मैं सालन को अपने जिस्म पे डाल के खा लूं? ये ले आपकी गर्मा गर्म रोटी रूमी साहब। तुम्हें इतनी बार मैंने कहा है कि मेरे नाम के साथ साहिब नहीं लगाया करो। अच्छा खासा अंग्रेजी नाम है मेरा, उस पे साहिब लगा के ना तुम देहाती कर देती हो उसको। वो आजकल आप कुछ ज्यादा लेट नहीं आ रहे, मैं सारा दिन आपका इंतजार करती रहती हूँ घर पे। वो असल में दूसरी बेगम को टाइम दे रहा हूँ ना इसलिए। अरे भाई दफ्तर जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग होते, काम होता। मैसेज किया था तुम्हें? मैसेज? हाँ मैसेज कब किया था आपने? वो जब तुम अपने कपड़ों में से जुए नहीं निकाल रही थी तब मैं पीछे खड़ो के गया था ना मैसेज तुम्हें। आपको पता तो है कि मुझे मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना आता। अरे तो इतनी बार का मोबाइल इस्तेमाल करना सीख लो ना जोया। जोया? हाँ है, ये कौन है? जोया जोया खाने में जोया कम है। लॉलीपॉप क्या कहते तुम्हारे गांव में जोया को? जीरा जीरा ज्यादा डला हुआ है। और तुम मेरी बात सुनो, ये शहर है ये कोई गांव नहीं है जहाँ 8 बजे लोग मुर्गियों के साथ जाके सो जाते हैं। जरा मैनेज करना सीखो, जाहिल के जाहिल ही रहोगे। मैं परेशान, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैंने ये दूध पी लिया ना मैं इसमें पूरी रात गुजार लूंगा, बाहर कुत्ते के साथ सो जाऊंगा तुम्हारे साथ। अरे अब मैं जा रहा हूँ। खाना तो खा। अरे जाए लेकिन हाय से अप्पा, 2 दिन के थके हारे आए थे, फिर से उन्हें शिकायतें करके नाराज कर दिया, अब मैंने भी नहीं खानी रोटी। हीर, ये कुत्ते को मेहंदी किसने लगाई है? ओए ओए बेइज्जती हो गई। बहुत अच्छा ऑफिस है, यानी एक शादी हसाती और दूसरी जज्बाती हुई है। हाँ यार ये गाय ना इसी तरह कुर्बान हुई है। वैसे ये मैं मानता हूँ कि आपके साथ ज्यादती बहुत हुई है, लेकिन आपको भी उन दोनों को बता देना चाहिए था, धोखे में नहीं रखना चाहिए था। तो तुझे क्या लगता है कि मैंने उन दोनों को नहीं बताया होगा? जोया वो मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने ना दूसरी रूमी, तुम मुझसे हमेशा पूछते थे ना कि बापा की ऐसी हालत कैसे हुई। वो ना बापा ना मुझे कॉलेज छोड़ने जाया करते थे, वहाँ की जो गेट कीपर थी ना उससे बापा का टांका फिट हो गया। और जब ये बात अम्मा को पता चली तो जिस बैट से वो कपड़े धोती थी ना उससे बापा को धो डाला। और वो जो बैट है ना वो जाके बापा की गुद्दी पे लगा, तो ये जो इनका दिमागी हिसाब किताब है ना तब से खराब चल रहा है। वैसे अगर मैं अम्मा की जगह होती ना है तो बैट ना मारती। मशरक की लड़कियां जो है ना, जितनी भी मशरक की लड़कियां सबको ऐसा ही होना चाहिए। गोली मारती मैं सीधी अपने खावन को। अच्छा खैर वो तुम क्या बता रहे थे? दूसरी दूसरी हाँ दूसरी हाँ दूसरी दूसरे मैंने मैंने कब कहा दूसरी? मैंने कहा दूसरा दूसरा कहा मैंने। तो दूसरा क्या? दूसरा यही कि हमें अब दूसरा बेबी भी पैदा कर लेना चाहिए। तो पहला बेबी तो अभी है ही नहीं। पहला बेबी तो तुम हो ना? लॉलीपॉप। ओह कितने क्यूट हो तुम बेबी। अच्छा चलो मैं जरा ऊपर से आया, वो पेंट गीली हुई है ऊपर।
उसको जरा सुकाना है। वो फैन गोले बल्ला बेबी बेटा हैदराबाद कदे अचनो? बस बापा थोड़ी देर आपके साथ ना सीरियस में कॉमेडी हो गई। वैसे आपने रखा था यहाँ नीचे दराज में? अरे कैसी बात कर रहे हैं, शर्म होनी चाहिए, भाभी है हमारी। ओ अच्छा, भाभियों की बात कर रहा है, मुझे लगा बंदूक की बात कर रहा है। भाभियां तो मकान में रहती है ना, एक गली के इस तरफ और एक गली के उस तरफ। अरे पागल हो गए तुम, दोनों को इतना नजदीक क्यों रखा है, थोड़ा दूर दूर रखना चाहिए था ना। अबे ये गांव नहीं शहर है, और इतना बड़ा शहर है, अगर दोनों भाभियों को दूर दूर रखता ना तो पहली बीवी से दूसरी बीवी तक पहुंचने के रास्ते में मेरे दो तीन बच्चे हो जाते। अगर पकड़े गए तो? अबे बच्चे क्यों पकड़े जाएंगे, मेरे अपने बच्चे होते वो। अरे मेरा कहने का मतलब है कि भाभियों को पता चल गया तो? अबे मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। वो कैसे? तेरे भाई ने काफी सख्त किस्म की फील्डिंग बिठाई हुई। किसका मैच चल रहा है? वारंटी। मैंने मतलब कैसी फील्डिंग? देख दो स्लिप पे एक कवर। ले भाई। देख मेरे साथ होशियार बनने की जरूरत नहीं है, तुझे मैं अपने दफ्तर लेके आया हूँ इसलिए ताकि तू मेरे साथ रहे। आज से मैं जो कहूंगा जैसे कहूंगा तुझे वैसे ही करना है, और ज्यादा होशियारी जानने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। तो फील्डिंग कौन कर रहा है? ये दोनों भाभियों की एक साथ कॉल, आप क्या करेंगे रूमी भाई? बीवियों की बातें तो छोड़ो ना यार। केबल नहीं आ रही, मेरा ड्रामा शुरू होने वाला है। अब फर्स्ट इनिंग से फोन है तो पहली वाली के घर जाना है, सेकंड इनिंग से फोन है तो दूसरी वाली के घर जाना है। देखो इसे कैसी जबान चलती है इसकी। हाथ चला के दिखाओ। क्या बकवास कर रहे हो? ये देखें मैसेज पे हाथ चला के दिखाओ। जब तू बड़ा होगा ना तो तेरा अपना एयरपोर्ट होगा। किधर बैठ रहे हो तुम? कहां बैठ रहा हूं पागल हूं मैं, इधर कौन बैठ गए? अब्बा ये मेरा माइक निकल गया। जब मैं दर्जी के पास गया था ना तो चाय को चूल्हे पे चढ़ा के चला गया था, तो मैंने कहा जब तक ये चूल्हे पे चढ़ी हुए मैं जाके दर्जी पे चढ़ूं और उसे कपड़े ले गया। तो मैं कपड़े लाया तो चाय तैयार। आपके अंदर से रिंग टोन की आवाज आ रही है। लेकिन आपको तो पता है मुझे मोबाइल यूज करना नहीं आता। अच्छा चलो वापिस से करते हैं वाला सीन।